जस्ट इमेजिन की जरूरत है रोहित शर्मा को कैप्टनशिपी रोहित शर्मा ने ट्रॉफी जीता है भी कम पड़ेगा, इतना हाइप हो जाएगा इसका आर सी बी कब तो नहीं जीत रही है लेकिन आप जरूर जीत सकते हैं बहुत सारे गिव अवेज बहुत सारे मर्चेंडाइज ऑन क्रिक फैन डॉट कॉम तो जल्दी से पार्ट लीजिए और नाउ बैक टू तो अवर पॉडकास्ट यार आईपीएल खत्म होने को आया और अभी तक अपने पास टॉप फोर भी नहीं है हर कोई टीम उस टेबल पे ऊपर से नीचे नाम ढूंढ रही है और हर कोई उसके बारे में बात भी कर रहा है और तो अभी हम भी करते हैं टॉप फोर की बात पर नीचे से चलो हम आ, हमेशा की तरह दूसरों से अलग बात करेंगे बकवासी करेंगे तो हम आज बात करते हैं नीचे वाले चार टीम्स के बारे में हाँ और लेट्स फाइंड आउट कि इन्हें क्या जरूरत पड़ती है इनकी क्या मजबूरी है कि कंसिस्टेंटली ये टॉप फोर में रुकते हैं और अभी तक डिस्कालीफाई भी नहीं हुए एग्जैक्ट मतलब इन्हें आउट भी नहीं होना है इन्हें एलिमिनेटर का ई भी नहीं चाहिए बट बॉटम में रहना तो है। है नहीं जाएगा ना आरसीबी और चेन्नई के बीच में तब तक होगा मुझे आईपीएल का बहुत पसंद आता है आईपीएल के सारे मैचेस ना एकदम डुअर डाय होते हैं सिर्फ बॉटम फोर के और डेड होते हैं तो इट्स अबाउट इट्स ओनली फॉर एम ज्यादा इसको जनरलाइज मत हाँ बट भाई देव आपको पता है ना एम अभी तक मैथमेटिकली डिस्कालीफाई नहीं हुई है और ये चीज जो बोल रहा है वो साइंटिफिकली थोड़े पागल है क्योंकि एमआई के चांसेस का जीरो वन परसेंट का भी वन परसेंट चांस है कि एमआई आई हो देखो लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि आरसीबी कैसे धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाते अब चलो आठ परसेंट पे तो पहुंची है है ना, है से आठ तक पहुंची है तो वो प्रोग्रेस है तो हम इसको एफर्ट्स प्रोग्रेस मान के खुश हो जाएंगे बट पंजाब हर साल की तरह इस साल भी लग रही है एकदम एकदम कंसिस्टेंट टीम लग रही है कि भाई बाकी आप ट्रॉफी आप लो, हमें फर्क नहीं पड़ता है हमें सिर्फ पोजीशन दे दो हम उसके पीछे पड़ेंगे यार वो सब तो ठीक है, है। यार वो हाँ तो खुश था ना चिन्ह स्वामी से थोड़ा बड़ा ग्राउंड मिला है मुझे पंजाब में मुझे मार नहीं पड़ा बट अगेन अभी पर्पल पटेल उस लिस्ट में सेकेंड है पर्पल पटेल को वैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला वर्ल्ड कप का एक्सेक्टली exactly. शायद चलो वो तो लाइक क्वाइट जस्टिफाइड है अब ये बताओ कि क्या लग रहा है मतलब ये टीम रह गई कौन सी वाली अरे प्रिंस वाली प्रिंस वाली ना हाँ <laughs> प्रिंस वाली टीम के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है हाँ ना? ना क्योंकि प्रिंस ने यार हमें इम्प्रेस तो किया था आ, अपनी कैप्टनसी से अब थोड़ा सा फिश आउट ऑफ वाटर लग रहा है बट आपको पता है मुझे ये प्लेटफॉर्म क्यों ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमने ना यहाँ पे ऑलरेडी ये कवर किया था हमने आईपीएल के रिव्यू में बोला था कि शुभमन गिल के कैप्टनशिप में सिर्फ एक डर है कि कहीं वो उनका प्राइम फॉर्म ना उनका चला जाए और वही हुआ उनका हो रही है उनसे। या, काफी चिंतित भी लग रहा है शुभमन जैसे अभी पिछले वाले मैच में कौन सा वाला मैच था वो आर सी बी वाला मैच आर वाले मैच में जो शॉट खेल के शुभमन आउट हुआ वो शॉट शुभमन जनरली इतनी अर्ली ऑन इन द इनिंग्स खेलने की जरूरत नहीं थी ऊपर से जी की अगर बात करें तो ये जीटी कंसिस्टेंटली खराब खेल रही है प्ले में जहाँ पे सारे टीम्स इतने चौके छक्के मार रही है वहाँ पे जीटी का एवरेज कंसिस्टेंटली खराब रहा है रिद्धिमान साहा का और गिल का जो पार्टनरशिप रहता है वो मोस्ट ऑफ द मैचेस में चली नहीं है नहीं। तो यार जीटी में इस साल तो प्रॉब्लम्स रहे हैं और हम वापस से वही हार्दिक पांड्या वाली बात पे आ जाएंगे लेगेसी को खराब कर दिया सिर्फ एक ही टीम की नहीं तीन exactly, की मैं <laughs> मैं तो मैं तो सोच रही थी कि एक वो होता है ना मान लो कि तुम किसी लड़की से बेहद प्यार करते हो और फिर पैसे के चक्कर में मम्मी पापा ने बोल दिया कि चलो दूसरे से शादी करनी है तो करा दिया तो उसके चक्कर में ना एक की जिंदगी खराब नहीं होती तीन तीन की खराब होती है यहाँ पे डेफिनेटली की भी खराब हुई की भी खराब हुई साथ में वो जो कैमरा उनको आरसीबी में दिया उसकी भी खराब हो गई और इधर लीगल है क्या दो लड़के से शादी कर सकते कि नहीं नहीं कर सकते तेरे शौक के तो अलग ही अरे आपने मुझे सिचुएशन दिया उसका मैंने सिर्फ आपको डाउट पूछा एनी वेज तो बॉटम फोर जरा एकदम डिटेल में डीकोड करते हैं सबसे पहले किंग्स की बात करते हैं जो बॉटम है। ने ना अपना नाम चेंज किया ट्राई की जर्सी लेते हैं यार बट पंजाब किंग्स का ना वो ही चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे एक चीज तो नहीं समझ रही कि गब्बर क्यों नहीं खेल रहा है अगर उसे इंजरी है तो यार वो प्री मैच में तो रोहित शर्मा को आके हक कर रहा है मस्त नाच के बीच के जा रहा है तो पक्का वो इंजरी है अगर रहेगी भी अगर इंजरी पे तो हम बात नहीं कर सकते बट अगेन उसका जब भी वो खेल रहा था ना वो एक

दिल टूटता है ना तो आई थिंक समवेयर आई डोंट नो दीज आर ऑल प्रोफेशनल्स एथलीट्स सो दे आर ऑल इक्विप्ड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस बट यार ह्यूमन बीइंग तो है ना आफ्टर ऑल तो और उसको दुख में भी स्माइल करते हुए देखते थोड़ा और हमें दुख होता है बट yeah. पंजाब की मैंने लिस्ट निकाली थी उनके बैटर्स की शशांक सिंह आशुतोष शर्मा एंड दैट्स इट पंजाब के बैटर सिर्फ दो है एग्जैक्टली exactly. बाकी कोई भी फायर नहीं कर रहा है स्पेशली ओवरसीज प्लेयर्स क्या आई डोंट नो जॉनी बेस्टो का एक हंड्रेड आया राइली रूसो को आपने सिक्स समथिंग क्रोर्स में लिया था ए सिक्स या एट यूजलेस प्लेयर लाइक मतलब लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा है वो सिवाय एक पोजिशन खाने के तो इनकी बैटिंग ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और ये पंजाब एक ऐसी टीम है जिसने आई के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रन चेस किया है exactly. और उस रनचेज में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बोलो pretty zinta नहीं थी स्टेडियम में <laughs> तो मुझे पता नहीं प्रॉब्लम पंजाब में है या अरे नहीं, नहीं नहीं इतना तो नहीं सोचेंगे लेकिन आ, बात यह है कि हाँ पंजाब का मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था कि पंजाब शायद वापसी कर सकती है क्योंकि एक आध मैचेज में थोड़े से वो दिख रहे थे स्पार्क स्पेशली जिस तरह से आश, आशुतोष और शशांक खेल रहे हैं शशांक को लेकर जो भी इनिशियल टाइम पे ये शशांक ये नहीं वो शशांक ये नहीं वो सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद आई थिंक दे शोड अ लॉट ऑफ प्रोमिस अर्शदीप सिंह का फॉर्म नहीं रहा विच वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट स्पेशली अगेन फ्रॉम द इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू बट हाँ देन ही ऑल्सो केम बैक टू बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ रिदम तो फिर uh, ब्रार हरप्रीत ब्रार ही वॉज ही वॉज वेरी इंप्रेसिव तो लग रहा था कहीं कहीं पर दे हैव सर्टन पॉजिटिव बट एक साथ नहीं चले तो आ, वही है कि मुझे तो बस वो अभी थोड़े दिन पहले एक ऐड आ रही थी ऋषभ पंत की जिसमें प्रीति ने ऋषभ पंत की गाड़ी को पंजाब बना दिया था एंड uh, पंजाब कब जीती? जीती तो पंजाब वापस नहीं जीती हम शायद ना कुछ से स्कैम हो है। इन्होंने स्कैम किया था जितेश शर्मा हमारा वाइस कैप्टन है फोटोशूट को, फोटो को जितेश शर्मा को भेजा और कैप्टन गब्बर के बाद दिया मतलब वो बेचारे को इतना ट्रॉमा लगा कि जितेश शर्मा का फॉर्म आया ही नहीं इज ईल्सो वेरी अनफोर्चुनेट बिकॉज जितेश शर्मा वॉज ऑल्सो बीनडर्ड फॉर इंडिया तो जितेश शर्मा को इंडिया ने इतने परसिस्टेंटली मतलब परस्यू किया उसके बाद जितेश शर्मा कहीं पे भी नहीं है इन इंडिया प्रोस्पेक्ट तो वो सब तो सही बात है अब स्कैम की अगर हम बात कर ही रहे हैं स्कैम इज रिजल्टिंग इनटू टीम्स डाउनफॉल तब तो हम विजय माल्या जी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते yes, yes, यार, विज... अभी तक है वो आर का ओनर है नहीं नहीं अभी तो नहीं नहीं है ना इंडिया जी इज ओनर तो आर मतलब बट टू बी वेरी ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बॉटम फोर में सबसे ज्यादा इन्फॉर्म टीम अभी आर है आई एम वेरी सरप्राइज टू से उनका रिदम अब भी आ गया है बट अगेन टू लेट आई उठ से क्योंकि हमें जब तक इन्हें कैलकुलेटर्स नहीं दिखते ना तब तक ना इनका रिदम like, ही नहीं बनता है टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बनती है इन्होंने हमेशा की तरह बहुत सारे प्लेयर्स ट्राई करे अभी फाइनली लग रहा है कि यार ये ये प्लेयर्स है जो हम हम प्लेइंग या ट्वेल्व में देखेंगे बट इज इट टू लेट वो एट परसेंट चार्स आई विल आई विल नॉट इवन गो देर यू नो आईकोर्स इट्स It's, it's, it's very i mean mm -hmm. I, i'm happy that they came back to form yeah. but i I'll, I'll still say this is what we had expected out of rcb even before the tournament had started mm -hmm. we had expected this to happen right during the auction we all knew that there were no bowlers there were no spin bowlers टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं द वे दे हैव स्पेंड देयर पर्स ओनली टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ देयर पर्स हैज गॉन इन टू स्पिनर्स और इस तरह से आप जीत नहीं सकते हो टूर्नामेंट्स बेसिस जस्ट योर बैटिंग नाउ आर सी बी को तो ये शायद एक्सपेक्टेड था तो आई वॉज नॉट वेरी सरप्राइज ऑफकोर्स वट एवर दे आर गेटिंग नाउ आई थिंक दैट्स अ बोनस फॉर अस बोनस एंड वी विल हैव टू गिव अट टू द बोलर्स इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्योंकि नंबर वन ये बोलर्स का आईपीएल था ही नहीं ठीक hmm. है तो hmm. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दैट क्लान ऑफ बोलर्स हु डजेंट कम अक्रॉस एज ट्रिमेंडस मैच विनर्स एक्सेप्ट फॉर ऑफकोर्स सिराज

बट ना आर का मैंने हर साल में एक नोटिस किया है कि आर ना हाइप मास्टर्स है ये लोग इतना हाइप क्रिएट करते हैं लाइक ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने एलन वॉकर को बुलाया था और इनकी क्लोजिंग सेरेमनी ग्रुप स्टेज के पहले ही ख़त्म होने वाली है मतलब इन्होंने ना इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है ना और इतने सारे लोगों को भी बना दिया और मुझे ना आई एम रियली बींग ऑनेस्ट मुझे ना आर फैंस के लिए बहुत अभी सैड लगता है क्योंकि इतने सालों से बिचार इनका मैंने डेडिकेशम गंभीर अपने रियल आइफ बट ना मैंने आर का पैशन कब देखा होता अभी मैंने हाल ही में कुछ वीडियोज आ रहे हैं एक ना फॉरेन कंट्री है जिसका ग्रेजुएशन हो रहा है वहाँ पे लोग आरसीबी के फ्लैग और आरसीबी के जर्सी लेके दिखा रहे हैं और वो टेलीकास्ट तो मैं बोला आई लाइक like, यार इतना पैशन है फैंस का तो उनके लिए मुझे सैड लगता है क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी ये सही नहीं कर रही है इनकी मैनेजमेंट नहीं देखो मैं बताती हूँ मतलब ये थोड़ा सा ना अलग तरह से भी देखने की जरूरत है ये थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अगर, अगर हम बात करें एज ह्यूमन वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ट्रैजिक हीरोज तो अगर आर जीत जाएगी मुझे नहीं पता आर सी बी इतने फैंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे बट या आर सी बी एज अ ब्रांड Uh, जितना अच्छे से प्रोपागेट किया mm -hmm. है द वे देव पुट अप देयर ब्रांड वैल्यू इंस्पाइट ऑफ नॉट विनिंग द टोर्नामेंट एवर आई थिंक दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद दिस राधर दैन

के लाइक डेडिकेशन और पैशन पे तो मुझे काफी अच्छा लगा एंड दिस यू नो लोग बोलते हैं कि विराट के जाने के बाद नहीं रहेगा नहीं ये नहीं है आरसीबी का ब्रांड हाँ आरसीबी ने अपना ब्रांड बनाया hmm. है उनकी मैनेजमेंट ने इस कंपनी को बनाने में बहुत सारा एफर्ट्स डाला है दिस इज अ लॉट बियॉन्ड क्रिकेट एज वेल तो यार इसीलिए आरसीबी के पास हमेशा वो

Uh, अपनी फैमिली सेटल करने के लिए कि क्या वो तो अभी टाइम ही बताएगा बट अगेन लाइक ये एक जो 2012 से प्रथा चल रही है कि फर्स्ट मैच हारना एंड ऑल मुझे लगता है इस साल वही ज़्यादा महंगी पड़ेगी महंगी पड़ेगी इन द सेंस क्योंकि अगर वो फर्स्ट मैच इजी मैच अगर जीत जाते तो अभी वो कॉन्टेंशन में होते तो एम का लाइक like, सभी ला एम आई का ना पूरा फोकस ना सारे नौ के नौ अदर टीम्स का भी था हार्दिक वर्सेज रोहित पे जो मुझे लगता है कि उस चक्कर में ना जो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है ऑन ऑन पेपर अगर ये टीम देखो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया के प्लेयर्स ओवरसीज़ प्लेयर्स फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में बीइंग एम फैन मैंने देखा था कि ऑक्शन में ना एम ने सारे बॉक्सेस स्टिक कर दिए एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स लिए और इतनी अच्छी टीम अगर बॉटम फोर में है तो इट्स रियलीक्टली really exactly. और ये बात भी हमने पहले करी थी कि इट्स ऑल अबाउट ऑप्शन तो एम आई का जैसा किसी का नहीं गया है yep. इस साल या कभी भी नहीं right. जाता है ठीक है एम आई ऐसी टीम है जिन्होंने मैक्सवेल को लेकर बेंच पर बिठा के रखा था इन हाइंड साइड मुझे लगता है एम आई तुमने बहुत अच्छा किया था <laughs> लेकिन <laughs> <laughs> लेकिन सॉरी <laughs> लेकिन बात यह है कि एम आई का हमेशा ऐसा ही रहता hmm. है इट right? राइट अब इस साल का भी यार दिस शुड है

उभर के आकर एज अ टीम खेलना बहुत जरूरी था बहुत सीनियर प्लेयर्स थे जो समझते हैं इस गेम को जो शायद ये सारी चीज़ों को ओवरलुक कर सकते हैं बट वी हैव नॉट सीन दैट वी हैव नॉट सीन दैट एट ऑल आई रिमेंबर अ कपल ऑफ इंस्टेंसिस विच आई विल आई सी इट माइट आई माइट बी सींग इट इन विद अ डिफरेंट लेंस फ्राम इन टी वी बट देर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ऐसे यार नबी ने फीलिंग uh, मिस किया एट द बाउंड्री एंड बुमरा वॉज लाफिंग ही वॉज वेरी कैजल अबाउट इट वेरी गिवन अप ऑन द फैक्ट तो ये सारी चीज़ों से ना समझ में आता है प्लस आप अगर हम लोग दोनों गए हैं वी हैव गॉन टू द स्टेडियम ऐसे तो कैमरा के सामने जब वन देर इज़ अ मैच गोइंग ऑन देन प्लेयर्स बिहेव वेरी डिफरेंटली वी एक्चुअली सी और कैन अंडरस्टैंड द इक्वेशंस वेन द मैच इज नॉट इट स्टार्टेड प्रैक्टिस चल रहा है आप हाँ। देख सकते हो कि कौन किसके साथ बात कर रहा है कौन दो लोग एक साथ आ रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखने वाली होती है और एज जब हम लोग जाते हैं ना हम लोग यही सब देखते हैं ठीक है क्योंकि हमें उसी पर मजा आता है देखने में तो हम देख रहे थे राइट वी कुड एक्चुअली सी कहाँ पे क्या बॉन्ड्स बन रहे हैं mm -hmm. कहाँ छोटे क्या ग्रुप्स yeah. बन रहे हैं एट्सेट्रा तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर प्लेइंग अ टीम गेम और वो चीज़ एमआई में बहुत कम दिखी प्लस द बैटिंग कोलैप्स वो तो है ही तो एम आई के प्लेयर्स का परफॉर्म करना इंडियंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था yeah. क्योंकि इंडिया का कैप्टन वाइस कैप्टन मुंबई इंडियंस में है बट अगेन लाइक अभी अच्छा है कि हार्दिक पांडे थोड़ा फॉर्म में आया है बट रोहित शर्मा का फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है होपफुली वो हिल जस्ट शेक इट ऑफ और वर्ल्ड कप में जाके जैसे उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी प्रदर्शन किया था एक इम्पॉर्टेंट इज बैक एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे बट ना मुझे एम के लाइक इस इस सीज़न में ना आई डोंट नो डों मुझे ना बाउचर का रोल काफी सस लगता है मुझे लगता है यार हमने ना एक गलत बंदे को विलन बना दिया हार्दिक को उसके एटीट्यूड के वजह से उसके बैंड के वजह से बट मुझे लगता है यार असली कल्प्रिट ना वो बाउचर है सच्ची में तुम तो, तुमने तो यहाँ पे के सीरियल बना दिया सीरियसली मुझे लगता मुझे है कि ते... बट अगेन रोहित शर्मा के लिए सैड लगता है क्योंकि यू नेवर नो गाइज ये शायद उसका आखिरी साल होगा इन ब्लू बट मुझे लगता है अगर ये रोहित शर्मा का आखिरी साल है इन एम अगले साल रोहित शर्मा का रिडिमशन आर्क स्टार्ट हो सकता है विद आर जस्ट इमेजिन आर को कैप्टन की जरूरत है रोहित शर्मा को कैप्टनशिप चाहिए रो को आरसीबी के ओपनर्स है और फर्स्ट साल ही अगर रोहित शर्मा ने ट्रॉफी जीता दी ना आरसीबी को

बैट वट सही तरह से बॉल पे लगना वो सब चीजें होती है बट हमारे पास पहला यूएस वाले लेग में तो जो पहले के तीन मैचेस है इंडिया के वो तो फिर सिर्फ पाकिस्तान ही है पाकिस्तान भी कौन सी यू नेवर नो यू कैन नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान ठीक है उन्होंने भी कमबैक कर है और वो पिच

सी बी एम आई से हारेगी एम आई सी एस के आर सी बी एम आई से हारेगी एम आई पंजाब से हारेगी गुजरात से हारेगी तो ये चारों के जो पॉइंट्स हैं ना ऑन टेबल वो एक दूसरे के साथ ही आए। नहीं, आई थिंक दैट दैट्स फेयर इनफ बट मुझे ना लगता है कि ऑनेस्टली नो मैटर वॉट

ठीक है आप ना ये हमेशा जो बॉटम फोर हो जाएगी ना अगले सीजन के लिए ना उनके क्वालिफायर्स कराओ जैसे ये चीज होती है रणजी ट्रॉफी में कि अगर आपका एक सर्टेन सर्टेन पेडिस्टल के बाद यू गेट इनटू दैट अगेन दैट अनादर प्लेट स्टेज रणजी प्लेट पे चले yes. जाते हो आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है इस yes, बार तो नए-नए टीम्स आएंगे तेलंगाना समवेयर आई मीन वन ऑफ दोस वन ऑफ दोस टीम्स आई थिंक जसप्रीत इला खेलता है

किस खुशी में पंजाब हमेशा पे आती है यार मतलब क्या ये क्या प्रेम है ये कौन सी प्रेम कथा चल रही है इनकी? नहीं मुझे लगता है कि कुछ से भी ज़्यादा कुछ हार्शर मेजर लेना चाहिए सीरियसली हाँ? मतलब क्वालिफायर्स तो खिला हुए तो उसमें वो तो मैं पक्का शर् क्वालिफायर तो आर जीत जाएगी <laughs> इतना तो मैं पक्का रूट कर सकता हूँ पे सो लेट्स सी कि क्या है ये बॉटम फोर तो हमें पता चल गया आपके टॉप फोर कौन होंगे वो आप कमेंट करके हमें बताइए क्रिकेट फैन के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आप हमें फॉलो कीजिए एंड गिव अवेज का तो आप सभी को पता ही है क्रिकविन चल रहा है एंड इट्स लाइव तो जाइए पार्ट लीजिए और नए नए मर्चेंडाइजेस और गिफ्ट जीती तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में